को बुलाती। जरा एक बार तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर कुछ हलचल हुई है। जो ये मेन गेट है यहाँ पर कुछ एनसीबी के अधिकारी हैं, वो देखिए यहाँ पर रोहित बाहर निकल रहे हैं। और अमूमन ये तमाम वो लोग हैं जो सुनवाई के दौरान अंदर मौजूद थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी। तो धीरे धीरे करके अब यहाँ मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं, महिला अधिकारी, वो भी यहाँ मौजूद है और ऐसा लगता है कि ब्रीफिंग हो रही है। ये हलचल हुई यहाँ पर, ये देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे क्या होता है। लेकिन आपको बताऊं, अभी तक कोई जो आरोपी है वो नीचे नहीं आया है। और ये जो गाड़ी सामने आप देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती मेडिकल एग्जामिन के लिए गई थी। अब नीचे ये बाइट हो रही है, जरूर उस बाइट को सुनना चाहिए। रोहित सुनते हैं क्या कुछ बात करते हैं मीडिया से। ठीक है चलेगा। लाइट वाइट सब आ रहा है। ठीक है ये मोबाइल कौन है यार, ये मोबाइल वाले। एनसीबी दफ्तर से मीडिया से बात कर रहे हैं, हालांकि औपचारिक ब्रीफिंग नहीं हो रही है, लेकिन मीडिया के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी बताइए क्या कह रहे हैं वो लोग। देखिए ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनकी ओर से, जो एनसीबी के अधिकारी सामने आए थे, उनकी ओर से ये बताया गया है कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई है। थोड़ा पीछे चलेंगे, देखिए उनकी ओर से ये बताया गया है 27 कैपिटल एज जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे, उसी के आधार पर बेल रिजेक्ट हुई है। यानी कि उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी मिली है और बेल जो उनकी ओर से लगाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज रात इसी, मैं फिर से कहूंगी पवन आपको दिखाए, इसी एक्सचेंज बिल्डिंग में लगातार ऊपर दिखाइए आप जहाँ पर लाइट जली हुई है। देखिए ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें सिर्फ मुझे 5 खिड़कियां नजर आ रही हैं, जो कि सेकेंड फ्लोर पर 1 खिड़की जिसके अंदर लाइट जल रही है, टॉप फ्लोर पर 4 विंडोज ऐसे हैं जहां पर लाइट जल रही है, जहां पर पूरी कार्रवाई लगातार चलती रही थी। और ये देखिए यहां पर ये जो अधिकारी थे वो यहां से मूव कर रहे हैं और उनकी ओर से यही जानकारी दी गई, हालांकि ज्यादा कुछ उन्होंने कहा नहीं, उनकी ओर से यही जानकारी दी गई है कि रिजेक्ट हो गई है बेल एप्लीकेशन रिया चक्रवर्ती की। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और अब यहां से एनसीबी के जो अधिकारी थे, जो सदस्य, वो इस गाड़ी में मौजूद है और यहां से मूव करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहां से मूव करते हुए और पीछे बहुत सारे एनसीबी से जुड़े हुए दूसरे एनसीबी से जुड़े हुए दूसरे सदस्यों को भी आपने देखा और ये यहां से मूव कर चुके हैं आज रात यहीं पर। यानी कि कुल मिलाकर अब यहीं से मामला थमता हुआ, क्योंकि अब तो रिया चक्रवर्ती इसी के भीतर है, इसी के अंदर ही रहेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपरी माले की सबसे टॉप फ्लोर पर पवन आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 4 खिड़कियां ऐसी हैं जहां पर लाइट जल रही है, बाकी हर जगह की लाइट्स ऑफ है। और सेकेंड फ्लोर पर एक जगह ऐसी है जहां पर लाइट जल रही है। तमाम कागजी कार्रवाई होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फाइनली यही डिसाइड हुआ कि रिया चक्रवर्ती को आज रात इसी एनसीबी दफ्तर में ही, जो अस्थायी जेल बनाई गई है, वहां पर रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा और कल 10 बजे के बाद उनको भैखला जेल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वहीं रिया चक्रवर्ती के वकीलों की ओर से जो पक्ष सामने आ रहा है कि वो अब ऊपरी